अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हो सारे? अज का असीं व्लॉग बनावांगे अपने दौर की, अपने वक्त की मशहूर अदाकारा ज़ुमर्द सुल्ताना ते। ज़ुमर्द सुल्ताना उहदा घरेलू नाम, लेकिन फिल्मी नाम ज़ुमर्द। ज़ुमर्द अदाकारा एक ऐसी अदाकारा सी, एक ऐसा नगीना सी जिन्हों जेड़े रोल दे विच भी फिट किया जाता सी उत्थे पूरा उतरती सी। वो बहुत अच्छी समझदार और सुलझी हुई अदाकारा सी। ते उहदी जिंदगी दे बारे जाओ तुहाडा तफसील नाल गुफ्तगू करते हैं, तुहानू दस दिओ कित्थे पैदा होई, उन्हें तैतलीम कित्थे हासिल कीती और अजकल कित्थे उह जिंदगी किस तरह गुजार रही ने। अदाकारा ज़ुमर्द सन 1946 नूं इंडिया दे शहर अमृतसर दे विच पैदा होईआं ने। उहनां दा खानदान सारा उत्थे रहिंदा सी। जदों सन 1947 च पाकिस्तान बणिआ ते उहनां दा खानदान फिर उत्थों उठ के ते लाहौर आ गया, लाहौर शिफ्ट हो गया। लाहौर आ के इहनां ने फिर अपना बचपन गुजारिया। इब्तदाई तलीम इहनां ने लाहौर चों ही हासिल कीती। इह बाद अदाकारा सी जिहने एम ए इंग्लिश कीता सी। इस सत भैणां ते एक भाई सी ते इहनां दे वालद दा नाम मुहम्मद असलम सी। मुहम्मद असलम एक ऐसा बंदा सी कि जिहदा फिल्म इंडस्ट्री दे विच बहुत ज्यादा तलक सी। उहदा मुंशी दिल हदायतकार सी जिहड़े उहदे नाल बहुत ज्यादा लैक सलैक आना जाना सी ते तलक दी वजह नाल फिर इहनूं फिल्म इंडस्ट्री दे विच कम मिलिया। 1958 दे विच मुंशी दिल अपनी फिल्म हसरत बनांदे ने, उहदे विच इहनूं छोटा जिहा किरदार दित्ता गया ते उस दे विच इहने फिर अपनी पहचान बना ली। ते इहने 33 साल, थोड़ा अरसा नहीं हैगा, फिल्मां दे विच काम कीता। ते इह फिल्म इंडस्ट्री दे विच दो नाम ज़ुमर्द नाम दियां लड़कियां सी, जिहदे विच इक बड़ी ज़ुमर्द ते इक छोटी ज़ुमर्द। इहदा नाम फिर छोटी ज़ुमर्द रख लिया गया। 1960 दे विच ही फिर फिल्म साज हदायतकार शबाब किरानवी फिल्म बना देने अपनी गुलबदन, उहनूं फिर इहनूं सितारा दे नाम तों रख्या गया। इहदे विच मुसर्रत नज़ीर ते इजाज़ दा मरकजी किरदार हुंदा। ते उस तों बाद फिर 1960 दे विच सहेली फिल्म आंदी आ, उहदे विच वी इहनूं किरदार मिलिया। उस तों बाद 1961 दे विच गुलफाम फिल्म आंदी आ जिहड़ी बहुत सुपरहिट साबित होई ते उहदे विच वी इहनूं किरदार मिलिया। उस तों बाद फिर 1965 दे विच मलंगी फिल्म आंदी आ, उहदे विच इहने फिर बतौर कासा मुजरे दा गाणा इक गाया और वह रशीद अख्तर सी उहदे हदायतकार ते उहदे इहदे विच इह फिर बतौर मेहमान अदाकारा गई ते फिल्म भी फिर हिट गई। उस तों बाद फिर 1960 दे विच हदायतकार सदीर दी कामयाब फिल्म चट्टान बनदी आ ते इहनां ने अपने गाने दे उत्ते बेहतरीन रक्स कीता, डांस कीता ते उस दे बोल सी उस गाने दे, गोरी करके हार सिंगार हो जा मिलने को तैयार, सज्जन तुझे लेने आए। इस फिल्म दे विच हिरवन नीलो सी ते ज़ुमर्द सैड हिरवन सी। आओ वो तुहानू गाना सुनाने। गोरी करके हार सिंगार हो जा चलने को तैयार, सज्जन तुझे लेने आए, बलम तुझे लेने आए। गोरी करके हार सिंगार हो जा चलने को तैयार, सज्जन तुझे लेने आए, बलम तुझे लेने आए। 1970 दे विच एक फिल्म बन दिया हीर रांझा। इस फिल्म ने तुहानू पता सारे अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ते। इस फिल्म ने बहुत कामयाबियां समेटियां। इस फिल्म दे विच जिहड़े भी अदाकार या अदाकारा ने काम कीता ओह बहुत मशहूर हो गईआं। इहदे विच अदाकारा ज़ुमर्द दा भी एक सहती दे नाम तों रोल सी,
जिन्हें सैती का किरदार अदा किया खेड़े की भैन का ते बहुत अच्छा लोगों ने इनू पसंद किया गया और वह किरदार ऐसा सी कि जिहड़ा हमेशा लिए अमर हो गया ते उहदे वर्गा किरदार कोई भी नहीं कर सकता। फिर 1973 दे विच एक फिल्म हदायतकार इकबाल कश्मीरी बनाते ने जिद्दी उहदे विच फरदौस इजाज ते मुहम्मद यूसुफ ते जमुरद हुंदे ने जमुरद हुंदी आ ते जमुरद दे उत्ते एक गाना फरमाया गया जिहड़ा बहुत मशहूर होया तेरे नाल नाल वे मैं रहना आओ तुहानू गाना भी सुनाने फिर 1973 दे विच इकबाल कश्मीरी पंजाबी फिल्म बनारसी ठग बना देने जिस दे विच फरदौस दी अमीर सहेली दा इन्हें किरदार अदा किया जमुरद ने और वह फिल्म भी बहुत हिट हुई ते उहदे विच इह बहुत खूबसूरत लगी जदों इन्हें अमीर सहेली दा किरदार अदा किया। 1973 दे विच हदायतकार एम जे राणा पंजाबी फिल्म बना देने चन्न तारा इहदे विच अदाकार इकबाल हसन दे नाल जमुरद दी जोड़ी नूं बड़ा पसंद किया गया ते इहदे उत्ते एक फिर गाना फरमाया गया उह गाने दे बोल सी तक चन्न पिया जांदा ए आजो फिर तुहानूं गाना भी सुनाने तक चन्न पिया जांदा ए वेख वेख मेरे चन्न नूं हाए हाए सोणिया हाए चन्न मुख तू लुकांदा ए फिर 1983 हदायतकार हसन अस्करी ने फिल्म एक दूजे के लिए बनाते ने उहदे विच भी फिर इनू कास्ट किया गया पंजाबी फिल्मा दा फिर अगे दौर शुरू हो गया ते फिर इनू पंजाबी फिल्मा धड़ाधड़ मिलनिया शुरू हो गई ते ए दूसरा इहदा दौर सी जदों इह दुबारा फिल्मा दे विच आई लोगों ने फिर इनू बड़ा पसंद किया कि ये दोबारा वापस फिल्मा दे विच आ गई क्योंकि ये शादी तो बाद कुछ अरसा फिल्मा तो गायब हो गई सी घर की जिंदगी दे विच मसरूफ हो गई सी फिल्मा छोड़तियां सी फिर 83 दे विच फिर दोबारा इन हुईयां जिस वेले आईयां ते फिर लोगां ने इन्हां दी फिल्म नूं बड़ा पसंद किया ते इन्हें ज्यादातर फिल्मा दे विच भैण बीवी सहेली इस तरह के रोल ज्यादा इन्हां ने किते सैकंड हीरोइन भी आई इन्हें बहुत सारे अदाकाराना सदीरना यूसुफ खान मोहम्मद अलीना वहीद मुरादना जिन्हें भी उस वक्त दे सारे हीरो सी सारिया दे नाल इन्हें काम किया इन्होंने इन्निया फिल्मों च काम किया कि सारिया फिल्मों दे नाल लेना बड़ा मुश्किल आ। अज मैं तुहानू वैसे मोटिया मोटिया दस दिना इन्होंने जिहड़ियां पंजाबी फिल्मां कीतियां उन्हां दे विच साहब जी मुराद खान इश्क पेचा राजा रानी धी राणी चूड़ियां जग्गा खुददार कैदी मेला नाचे नागन कलियार हक महर अकबर खान ते फकीरिया उर्दू फिल्मां दे विच इन्होंने लाजवाब किरदार अदा किए। अज उहदे बारे तुहानूं तफसील दसदे आं कि केड़ी केड़ी फिल्म दे विच इन्होंने काम किया ते उहदे विच शक मियां बीवी अगर तुम ना होते एक ही रास्ता जमीन आसमान बेकरार परवाना चोरों की बरात किराए के कातल महक पलकों की छांव जीने नहीं दूंगी ते इन्होंने बहुत सारिया फिल्मों में काम किया सारिया के नाम तुहानू दसते ने मोटिया मोटिया दे ते इन्होंने कम से कम 160 फिल्मों में काम किया ते 1991 दे विच इन्हां दी आखरी फिल्म बाबल आउंदी आ जिहदा विच इन्हां ने किरदार अदा किया उस तो बाद फिर मुकम्मल साइड लाइन हो गई और घरेलू जिंदगी गुजारनी शुरू करती
ਤੇ ਆਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਹਦ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਹਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਲੜਕੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਤੇ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਬਿਆ ਸ਼ਾਹਦ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਾਕਿਆ ਬਾਬਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ਼ਰਤ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਦੂਸਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹਦ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ੁਮਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੋਕ ਝੋਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਖਰ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਤੈਅ ਪਾ ਗਏ ਕਿ ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ 23 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਖਾਲਦ ਮੁਖਤਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਨਮੂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆ, ਅੱਛਾ ਘਰ ਆ, ਕੋਠੀ ਆ, ਬੰਗਲਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਯਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਐਸੀ ਅਦਾਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਐਸੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮੁਖਲਸ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਉਹ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਬੇਮੁਰੱਵਤ ਹੈ ਇਹ ਹੁਸਨ ਵਾਲੇ, ਕਹੀਂ ਦਿਲ ਲਗਾਉਣੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਲਓ ਜੀ, ਅਗਰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਔਰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁਲਾਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹ। ਬੜੇ ਬੇਮੁਰੱਵਤ ਹੈ ਯੇ ਹੁਸਨ ਵਾਲੇ।